हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 11A का लास्ट सवाल 20 नंबर का सवाल है। इसमें सवाल में कह रहा है कि फाइंड एक्स इन द गिवन डायग्राम। इस डायग्राम में हमको एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो पहले हम लोग ट्राइंगल ए बी और सी के में देखते हैं। तो एंगल ए दिया हुआ है, एंगल बी दिया हुआ है, तो हम लोग एंगल सी निकाल सकते हैं, ठीक है। एंगल सी पता चल जाएगा हमको ट्राइंगल ए बी सी में। उसके बाद ट्राइंगल ई एफ और डी में ई का वैल्यू दिया हुआ है, एंगल एंगल डी का दिया हुआ है, हम लोग एंगल एफ का निकाल सकते हैं। अब हम लोग ट्राइंगल जी एफ सी में ये एंगल पता हो जाएगा, सी और एफ पता हो जाएगा, तो एंगल हम लोग जी निकाल सकते हैं। तो अब एंगल जी और एफ जो है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो हम लोग जो जी का वैल्यू होगा वही एक्स का वैल्यू होगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं ट्राइंगल ए बी सी में। ट्राइंगल ए बी सी में तो एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल सी 180 डिग्री माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है, ये हो जाएगा। तो 180 डिग्री में से हम लोग को एंगल ए 35 डिग्री और प्लस 110 डिग्री, इसको माइनस करेंगे ये हो जाएगा 5 4 145, ठीक है। 145 में से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 5, यानी कि 35 डिग्री, ठीक है। तो एंगल जो है सी हो जाएगा कितना, ये 35 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया एंगल सी 35 डिग्री, ठीक है, ये वाला एंगल। अब हम लोग ट्राइंगल ई एफ डी में, इन ट्राइंगल ई एफ डी, ट्राइंगल ई एफ डी में चलेंगे, ठीक है, ई एफ डी में, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एंगल एफ निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ई और एंगल डी, माइनस एंगल ई या प्लस एंगल डी। तो हम लोग अगर 180 डिग्री में से माइनस करें 30 और प्लस 100 को, यानी कि 180 डिग्री माइनस 130, यानी कि ये एंगल हो जाएगा 50 डिग्री, ये एंगल कितना हो गया 50 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग ट्राइंगल जी एफ सी में एंगल जी निकाल सकते हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल एफ जी सी में, इन ट्राइंगल एफ जी सी में तो एंगल एफ जी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल सी और एंगल एफ, एंगल एफ प्लस एंगल सी, ये हो जाएगा, ठीक है। तो 180 डिग्री में से एंगल एफ का वैल्यू है, कहाँ गया, एंगल एफ का वैल्यू 50 डिग्री और एंगल सी का वैल्यू है 35 डिग्री। तो 180 डिग्री में से 35 डिग्री को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ 10 में से 5 जाएगा तो 5, ठीक है, ये हो जाएगा 17 में से जाएगा तो 19, तो ये हो जाएगा 95 डिग्री, एंगल एफ जी सी इक्वल टू 95 डिग्री, ठीक है। अब एंगल एफ जी सी और एक्स ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एंगल एफ जी सी इक्वल टू एक्स डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि एफ जी सी एंगल का जितना वैल्यू है वही एंगल एक्स का वैल्यू, यानी कि एक्स बराबर हो जाएगा 95 डिग्री, यही हो जाएगा आपका आंसर।